भारतीय जनता पार्टी जिला व महानगर प्रशिक्षण वर्ग शिविर का 3 दिवसीय कार्यक्रम का मंगलवार को आजाद चौक स्थित एक निजी स्कूल में समापन हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आजादी के 70 वर्षों तक किसी ने नहीं सोचा था कि अनेकों योजनाएं, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, जनधन योजना, बीमा ज्योति योजना जैसी अनेकों योजनाएं मोदी व योगी ने दिया है। उन्होंने बताया कि जनता के अंदर एक उत्साह का माहौल है। भाजपा सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट दिया तथा सेवा ही संगठन का नारा का भाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर कैसे मुस्कान आए, यह हमारी सोच है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रणजीत राय, पवन यादव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महिला आयोग सदस्य निर्मला द्विवेदी, प्रेमनाथ शुक्ला, राहुल श्रीवास्तव, अरविंद त्रिपाठी, अमिता गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, रणविजय शाही, दयानंद शर्मा, समीर श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, रमेश चंद्र गुप्ता, श्वेता श्रीवास्तव, सुरेंद्र चौबे, मनोज अग्रहरी, रणविजय सिंह सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर मंत्री अनुपमा पांडे और भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, 3 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग आप सबने पूरी तन्मयता के साथ पूर्ण किया है। केंद्र की योजना थी कि जिले स्तर के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण 3 दिन से कम न हो। हम सब प्रदेश की ऐसी मंशा थी कि 2 दिन में ही प्रशिक्षण को पूर्ण किया जाए, लेकिन केंद्र ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। महानगर अध्यक्ष जी के पास पहले 2 दिन की ही सूचना आई थी, लेकिन केंद्र के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन का हुआ। इसके कुल 15 सत्र रहे। 15 सत्रों में आप सबने विभिन्न विषयों का चिंतन किया, मंथन किया। जो हमारे उपनिषदों से निकली हुई ये जो सूक्ति है जिसको हम सब अक्सर विषयों के साथ अनुपमा पांडे महानगर मंत्री भाजपा। यह प्रदीक्षण हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में एक निखार लाने के लिए, पहले भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन क्या था, किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि थी, वर्तमान समय में कैसा है, ये हमें इस प्रदीक्षण वर्ग के माध्यम से प्रतिष्ठित किया गया। सबसे सुंदर बात यह और सबसे अच्छी बात है कि हमारे समाज में हम बहुत ही उपेक्षित रहे जब हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा सरकार नहीं था, और डबल इंजन की सरकार जब आती है केंद्र में और राज्य में तो विकास होता है। इस प्रतिक्षण के माध्यम से हमें एक दूसरे से बदने का और संवाद करने का, हम एक दूसरे से परस्पर मिलके और एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की ये प्रतिक्षण देती है कि हम सभी में एक व्यक्तित्व का निर्माण हो, और इस प्रतिक्षण का मोटिव भी यही रहा कि हम अपने अतीत को जानें और वर्तमान के विकास को हम सभी से साझा करें, और इसको और सुदृढ़ और अच्छा करने के लिए हमें प्रतिक्षित किया गया। क्या निर्देश दिया गया? हमें यह निर्देश दिया गया, जैसे संगठन आज हमारी बहुत मजबूत है और इसमें हमें लगातार बहुत मेहनत करके आज हम इस उन बलिदानियों के, उन त्यागियों का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी की आहुति दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रद्धे, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे के इस पार्टी को इतना सुंदर बनाया, सही बताया है। और एक समय में भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज आदरणीय मोदी जी ने भारतवर्ष को पुनः सोने की चिड़िया का दर्जा दिया है, और हमें कहने के और करने के लिए यह एक तरह से विकसित किया गया कि हम समझे हमें कैसे करना है और पुनः भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें तत्पर किया जा रहा है। आज महानगर का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ जो 3 दिनों तक लगातार चला है। ये प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ता निर्माण के लिए हमको अपने समाज जीवन में
किस आधार पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, हमारी शैली क्या होनी चाहिए, हमारे काम क्या हैं, संगठन में हम किस लिए काम कर रहे हैं, ये अन्य अन्य विषयों पे तमाम जानकारियां अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इसी के लिए हम सभी आज 3 दिनों से यहाँ लगातार प्रशिक्षण शिविर में यहाँ उपस्थित थे और आज निश्चित ही कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं और समाज जीवन में राजनीति के क्षेत्र में अच्छा एक काम करेंगे। इसलिए यह प्रशिक्षण शिविर लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होता रहता, ये चुनाव से इसको कतई जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो समाप्त हो गया, उसके बाद हम फिर प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण वर्ग लगातार पार्टी की चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ताकि हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी प्रशिक्षित होकर समाज जीवन में उसी अनुरूप काम करे। वो 15 विषय थे, अन्य अन्य अलग अलग विषय थे, उन सभी विषयों पे अलग अलग हमारे मुख्य वक्ता आए और उन सभी विषयों पे विस्तार पूर्वक वो अपना बौद्धिक रखे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता उनसे सीख सकें, अपने जीवन में उसको उतार सकें।